मधुबनी में दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने जेलकर्मी को मारकर कर दी नृशंस हत्या। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के बेहट गांव की घटना। बाइक सवार जेलकर्मी की सरेआम सड़क पर खदेड़कर मुख्य पार्षद के घर में घुसकर गोली मारने की घटना से मचा बवाल। आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। घटनास्थल पर डीएसपी पवन कुमार कई थाने की पुलिस के साथ मौजूद। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी जिले के झंझारपुर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना से सामने आने पर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। दरअसल झंझारपुर उपकारा में कार्यरत एक कर्मी को घर से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर बेखौफ अपराधियों ने खदेड़कर नगर परिषद के मुख्य पार्षद के घर में घुसकर गोली मार दी। घटना आज शुक्रवार सुबह 9:30 बजे आसपास की है। अपराधियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब जेल कर्मी घर से ड्यूटी पर उपकारा अपनी बाइक से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि घर से ही एक बाइक पर सवार दो की संख्या में अपराधियों ने उनका पीछा किया और शांतिनाथ चौक के समीप झंझारपुर मधेपुर मुख्य पथ पर फायरिंग कर दी। बाइक से नीचे गिरते ही जेलकर्मी अपनी जान बचाने के लिए नगर परिषद के मुख्य पार्षद बबीता शर्मा के सड़क से पश्चिम वाले आवास में घुस गए। अपराधियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और आवासीय परिसर में घुसकर सरेआम गोली मारकर वापस अपनी बाइक से चलता बना। गोलीबारी की आवाज सुनकर सामने दूसरे आवाज से मुख्य पार्षद पति राजीव शर्मा उर्फ बबलू शर्मा बाहर निकले। तब तक अपराधी भाग चुके थे। खून से लथपथ जेलकर्मी को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जेलकर्मी की पहचान आर बाजार के विनोद सिंह के पुत्र अभिरंजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक स्थानीय उपकारा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। मृतक मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन उनका परिवार कई दशकों से झंझारपुर आरएस बाजार में ही बसा हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी पवन कुमार, आरएस थाना प्रभारी अरविंद कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर मामले की तहकीकात शुरू की। जिला मुख्यालय पर तकनीकी अनुसंधान टीम और मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम बुलाई गई। इधर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी, उधर घटना से आक्रोशित परिजन अनुमंडल अस्पताल से शव को लेकर सीधे घटनास्थल के पास पहुंच गए और स्थानीय लोगों के सहयोग से शव के साथ झंझारपुर मधेपुर मुख्य पथ को जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग करीब 7 घंटे तक शव के साथ सड़क को जाम रखा और प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर एसडीएम कुमार गौरव, डीएसपी पवन कुमार, कई थाने की भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आक्रोशित परिजन से सड़क जाम हटाने की मान मनोवल करते रहे। परिजन घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। शाम के करीब 5 बजे आखिरकार स्थानीय बुद्धिजीवियों की पहल पर परिजन सड़क जाम हटाने को राजी हुए। तब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। स्थानीय लोगों की माने तो वारदात काफी खौफनाक और इस इलाके के लिए काफी अनोखा बताया जा रहा है। इस तरह की वारदात क्षेत्र में पहली बार होने की बात कही जा रही है। घटना का कारण अब तक रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार एक जेलकर्मी को इस तरह खौफनाक तरीके से आखिर क्यों गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि अपराधी की संख्या 2 थी, जबकि उसके पास 3 हथियार थे, जिससे कई राउंड फायरिंग की गई। 3 गोली जेलकर्मी को लगी है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है, जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसडीएम कुमार गौरव ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस और प्रशासन अग्रेतर कार्रवाई कर रही है। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो जेल में ऑपरेटर थे उनकी मृत्यु की जानकारी मिली हम लोग को। अच्छा नहीं, डीएसपी साहब थे, हम भी यहाँ पे थे। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया लोगों को समझाने का और फॉरेंसिक की टीम भी आ गई थी। लोग लगातार काम कर रहे थे, हम लोगों ने लगातार लोगों से प्रयास किया। पिता भाई सबसे अनुरोध हम करते रह गए कि जल्दी ही, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और पोस्टमार्टम भी करना था, इसलिए लगातार हम लोग अनुरोध करते रहे
अंत में उन्होंने हमारे लोग स्वीकार किया और अभी बॉडी गई पोस्टमार्टम के लिए। मधुबनी भी हम लोगों ने लाइनअप कर दिया है ऑफिस में, वहाँ पे पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बॉडी पहुँचेगी पोस्टमार्टम किया जाएगा। जेल साइड से भी उपाधीक्षक द्वारा मुख्यालय को पत्र लिख दिया गया है, तो मुख्यालय संज्ञान में है, जो कंपनसेशन वाली बात होगी जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे। और यहाँ भी 24 घंटा के अंदर हमारा लक्ष्य है कि हम न्याय दिला सकें। सर क्या काम करते थे ये, अपने घर से सुबह में जेल अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे, इसी क्रम में यहाँ घटनास्थल पर जो है घटना घटी और दो अपराधकर्मी इनको पीछा कर करके गोली मार करके मार दिए, जिसको जख्मी को स्थानीय लोग और चेयरपर्सन चेयरमैन वगैरह ये लोग मिल करके इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज में उनकी मृत्यु हो गई। अपराधियों के विरुद्ध जैसे ही सूचना मिली हम लोग त्वरित घटनास्थल पर पहुंचे और अन्य थानों को भी सब जगह लगाया गया, जहां भी रिट्रीट भागने की सूचना मिली थी वो हर थाने के जो है चेकिंग और विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही यहां के सीसीटीवी कैमरे को हम लोग लगातार देख रहे हैं और कुछ जगह पर देखे भी हैं, साथ ही FSL की टीम आकर के जो भी एग्जिबिट होता है उसका किया गया है साइंटिफिक जो है, और DIU की टीम वो भी हमारा काम कर रही है साथ में। जल्द से जल्द हम लोग निश्चित रूप से उद्भेदन कर लेंगे और अपराधियों को पकड़ लेंगे।